नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात तिवारी स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल प्रभात तिवारी स्टडी आईक्यू पे। प्राथमिक शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं अगर आप बीएड के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि आप लोगों को लगातार गुमराह किया जा रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड को बाहर किया जाएगा। तो पूरी सच्चाई को मैं खोल के रख दूंगा और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर जो ऐसी अफवाह उड़ रही है इसका भी दोस्तों मैं पोल खोलूंगा, ठीक है। और गारंटी के साथ दोस्तों आपको प्रूफ दिखाऊंगा कि आपका प्राथमिक शिक्षक भर्ती में बीएड बिल्कुल लगेगा, बीएड आपका रहेगा, बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा, ठीक है। चैनल अगर आप लोग नए हैं तो प्लीज चैनल पर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना, क्योंकि दोस्तों हम हर खबर की पुष्टि करते हैं और आपको हर सच्चाई से रूबरू कराते हैं। दोस्तों ये स्नैपशॉट बहुत तेजी से वायरल हो रहा है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती को बाहर किया जा रहा है, दोस्तों बीएड को बाहर किया जा रहा है प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। तो सबसे पहले यहां पर जितने भी बीएड के अभ्यर्थी हैं, मैं उनको 100% गारंटी के साथ दोस्तों कह रहा हूं कि आपकी प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड बिल्कुल भी बाहर नहीं किया जाएगा। दोस्तों ध्यान देना, आज दोस्तों मेरी बात को 18 अप्रैल को नोट डाउन कर लीजिए और आज ही आपका ये डिसीजन भी दोस्तों आने वाला है हाई कोर्ट से, ठीक है। तो पहली बात मेरी नोट डाउन करिए 18 अप्रैल के दिन कि बीएड को बाहर नहीं किया जाएगा प्राथमिक शिक्षक भर्ती से। क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने विभिन्न सोर्सेस के माध्यम से पता किया है और आप सभी को पता है कि बीएड को वरीयता दिया है किसने? उत्तर प्रदेश सरकार ने, ना कि दोस्तों यहां पर किसी संस्था के द्वारा, यह केवल उत्तर प्रदेश सरकार ने बीएड को वरीयता दिया है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बीएड आपका बिल्कुल भी बाहर नहीं होगा। बहुत सारे अभ्यर्थी मेरे पास कॉल करके कहते हैं कि सर डिमोटिवेट होते हैं कि सर हम प्राथमिक शिक्षक भर्ती की तैयारी करें या ना करें, तो बिल्कुल कहीं करिए, बीएड बिल्कुल दोस्तों बाहर नहीं होगा, आप लोगों को बताना चाहता हूं, आप लोग तैयारी करते रहें। और रही बात राजस्थान की, तो राजस्थान में दोस्तों वहां पर भी बीएड को बाहर नहीं किया गया है, मामला सुप्रीम कोर्ट में गया है, ठीक है। तो यहां पर सरकार आपके साथ है, सरकार पक्ष में है, और जहां भी सरकार पक्ष में जिस भी केस में होती है जीत सरकार की ही होती है। तो आपको लोग बिल्कुल भी पैनिक ना हो, और बीटीसी वालों से मेरी कोई दुश्मनी नहीं भाई, एक बात बताना चाहता हूं, बीएड वाले भी उतना मेहनत करें जितना बीटीसी वाले कर रहे हैं, ठीक है। तो आप दोनों का दोस्तों बराबर से यहां पर इक्वलाइज है, बिल्कुल भी दोनों प्रिपरेशन करते रहे और प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन दोस्तों आपका जल्द आएगा, ठीक है। जानकारी अच्छी लगे वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, ठीक है। सारा डाउट्स क्लियर हो गया होगा। जय हिंद, जय भारत।